इंडिया न्यूज और लगातार हम बात कर रहे हैं सरकार की। आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा के एनडीए के सांसद आज पहली बार इकट्ठा हुए और बेहद भावुक क्षण भी बीजेपी खेमे में हमें दिखाई दिया। बहरहाल आज जब संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, नरेंद्र मोदी को उनका भावुक भाषण हुआ, उसके बाद किस तरह की तस्वीर बनी इस पर बातचीत की है तमाम सांसदों से हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। सुनिए, नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता बनाया गया, हमारे साथ हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, किस तरह से जो भाषण दिया गया नरेंद्र मोदी ने, बातें रखी क्या? तो उन्होंने तो पूरा प्रॉमिस किया है और वो बिल्कुल साकार भी करेंगे। वो जो जो बात किया है तो उन्होंने कर दिखाया है, एंड देन ही विल शो नाउ टू द होल कंट्री। हेमा जी, जिस तरह से लोगों को उम्मीदें हैं, काफी उम्मीदें हैं, तो उस पर किस तरह से आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी खड़े होते? बिल्कुल उतरेंगे, खड़े उतरेंगे, क्योंकि पूरा जितना होप है उससे भी ज्यादा काम होगा। हमारे साथ विनोद खन्ना साहब हैं। विनोद खन्ना साहब, आज काफी भावुक क्षण था बीजेपी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जी, आज बीजेपी के लिए भावुक क्षण, क्योंकि आज जो है नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। हमारे साथ विनोद खन्ना साहब है। विनोद खन्ना साहब, क्या कहेंगे आप? यू सी, ह्यूमन इमोशंस होते हैं। इतना प्यार मिला पूरी जनता से, इतना बड़ा मैंडेट मिला, तो इमोशंस तो उभर के आएंगे ना। वो हंस के आ सकते हैं, रो के आ सकते हैं, और सामने देखा उन्होंने कि फूल ही फूल खिला हुआ है हर जगह, पूरा सेंट्रल हॉल फूलों से भरा हुआ है, तो भावुक तो होंगे। अच्छा, जनता की काफी उम्मीदें हैं, खासकर बीजेपी से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल डिलीवर करेंगे जो 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 हमने प्रॉमिस किया। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, आज जो है नरेंद्र मोदी भी काफी भावुक हो गए, मैं अभी वही तो बता रहा था आपको। तो साफ तौर पर विनोद खन्ना साहब, जिनका कहना है कि जिस तरह से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करेगी बीजेपी। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता बनाया गया। हमारे साथ किरण खेर जी हैं। किरण खेर जी, आप आज ऐतिहासिक क्षण एनडीए के लिए संसदीय दल का नेता चुना गया नरेंद्र मोदी को, क्या कहेंगे? मैं कहूंगी खुशामदीद, अभिनंदन। इस देश की जनता यही चाहती थी और यही हुआ है। अब काम करने का वक्त है, अब काम करके दिखाना है। लेकिन जनता की काफी अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से लोगों को उम्मीदें उनसे काफी है, बहुत है। मैं ये कहूंगी कि हाँ है, और वो उन पर खरी उतरेंगे। उन पर हमेशा जनता की उम्मीदें होती हैं और वो हमेशा खरे उतरते हैं। अच्छा, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए अपने भाषण में, इस तरह से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। जितने लोग बैठे देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे उस वक्त। ये थी किरण खेर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब काम करने का वक्त है और वो काम करके दिखाएंगे। क्या नाम है? दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, नहीं नहीं अभी कुछ कहने की घड़ी नहीं है, अभी तो देखने की घड़ी है, अभी तो एक्शन की घड़ी है। जो उन्होंने कहा है सही कहा है, अभी अभी ताजा, अभी तो शपथ भी ग्रहण नहीं किया। हम समझते हैं वो जनता के अपेक्षाओं पे कसौटी पे खरा उतरेंगे। वो नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो, हाँ वो जाहिर है। तो आडवाणी जी भी बहुत भावुक हुए, और आडवाणी जी बहुत भावुक हुए, नरेंद्र मोदी बहुत भावुक हुए। ये ऐसी घड़ी जब तमाम लोगों का समर्थन, ये त्यौहार की घड़ी, ये खुशी की घड़ी, ये शपथ लेने से पहले की घड़ी, और उनके प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को उन्हें सौंपना, उसकी घोषणा करना, ये सारी बातें बहुत रंग लाई आज। तो साफ तौर पर हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐतिहासिक क्षण, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली।